हमको ये बिल्कुल नहीं लगा था कि वो लोग फेलिसिटेशन करेंगे एंड अपने को वहाँ पे इतना लाइक फर्स्ट रो में बिठाया एंड ऑल दोज थिंग्स. इट वाज लाइक हार्ट टचिंग टू वी गाइस, मतलब बहुत मस्त लगा बहुत. हाँ गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग योर लाइफ. एंड निकल गए सुबह सुबह, जल्दी निकल गए. रोज मैं वही बोलता हूँ सुबह 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 नहीं, बहुत टाइम हो गया है. हाँ, मेरी सुबह मतलब 12 बज गए अभी. एंड प्रोग्राम है, एक इन्विटेशन है, तो वो प्रोग्राम के लिए जा रहे अपन. एक्चुअली हम लोग लेट है, लेट मतलब 2 घंटे लेट है. ये ना, ये बार बार गिरता है यार नीचे. हाँ, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. छोटे बच्चों की जो स्कूल रहती है वहाँ पे एनुअल फंक्शन है. एंड आपको तो पता है दीपाली मैम, हाँ, उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन है एंड हम लोगों को इनविटेशन है तो जा रहे. मेरे को बचपन से लगता था, जब मैं स्कूल में था ना, तब चीफ गेस्ट लोग या गेस्ट वगैरह आते थे अपने एनुअल फंक्शन के लिए, तो मेरे को बचपन से लगता था यार एक दिन अपन भी किसी स्कूल में जाएंगे एज अ गेस्ट. तो ये चांस मैं मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन रात को वो काम चालू था, सोने में लेट हो गया, वो तो स्केड्यूल ही बन गया अभी. तो अभी उठने में भी लेट हो गया, वो भी स्केड्यूल बन गया अभी. आई मीन लेट निकले, ट्रैफिक भी अच्छी लग रही है आज, है ना. एंड ये देखो सच धज के दोनों निकले. हाँ, अरे कहाँ से एंट्री है? ये उन्होंने रोड बनाया ना नया. अच्छा, बहुत दिनों के बाद आए अपन यहाँ पे. हाँ, ट्रेकिंग के लिए आए थे वो लास्ट टाइम. हाँ, साइड से रास्ता निकाला है. तेरे को पता है ना ऑडिटोरियम कहाँ है? हाँ, फिर हमारे हॉस्टल के पास है. बहुत प्रोग्राम होते थे, हम लोग हॉस्टल से जाते थे देखने. हाँ, फ्री एंट्री रहती थी. हाँ, ये जो दिख रहा है सामने. हाँ, ये वहां से लेफ्ट, यहाँ से ही ना. हाँ, यहाँ से ऑडिटोरियम दिखा है. राइजिंग स्टार स्कूल 15th एनुअल फंक्शन, वेलकम. गाड़ी कहाँ पार्क करना है ये नहीं पता मेरे को. ऑडिटोरियम कहाँ है? ऑडिटोरियम यहाँ से है, यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर. पार्क करेंगे पहले. हाँ, मंटू क्या लगा? अरे पण करून बघ ना कल्पना. चालो लालो तुम डब्लॉगिंग ना. सारी उम्र हम मर मर के जी
है, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी ऑरिक शहरात सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत. का पार्क करनी अभी? चलो देखेंगे, बस एक सिंपल सा इनविटेशन था. प्रोग्राम है, 15 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उनके स्कूल को, और आप लोग आइए प्रोग्राम देखने के लिए सब. मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम हॉल बुक किया था ताकि सब पेरेंट्स वगैरह और दिन बैठ सके, और दिन भर के प्रोग्राम्स थे. मतलब? तो हम वो हिसाब से गए थे, एकदम क्या बोलते हैं अपना रेगुलर प्रोग्राम है और अटेंड करके आना है. हमको ये बिल्कुल नहीं लगा था कि वो लोग फेलिसिटेशन करेंगे एंड अपने को वहाँ पे इतना लाइक फर्स्ट रो में बिठाया एंड ऑल दोस थिंग्स. इट वाज लाइक हार्ट टचिंग टू वी गाइस. मतलब बहुत मस्त लगा, बहुत. हाँ, दिस इज लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था, सीरियसली एक्सपेक्टेड नहीं था. एक्चुअली हम लोग तो लेट हो गए थे. मेरे को पता नहीं वो ऑडिटोरियम का सीटिंग कैपेसिटी कितना है, लेकिन बहुत बड़ा है. लेकिन 300-500 लोग इजीली वहां पे होंगे प्लस. हाँ प्लस, तो अच्छा लगा. एंड छोटे बच्चों का क्या टैलेंटेड जनरेशन है गाइस, ये क्या मस्त डांसिंग या सब. मतलब वहां से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोगों को एग्जीबिशन भी आना था इसलिए. हाँ. हम लोग निकल गए, नहीं तो पूरा प्रोग्राम हम लोग देखने वाले थे. ये जो एग्जीबिशन है ये लार्जर स्केल पे है औरंगाबाद में, और वो हिसाब से ये आज कल ख़त्म हो रहा है, कल भी आना है. तो कल कंप्लीट होगा नहीं पता नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत आज कंप्लीट करके ले रहे हैं और थोड़ा कल आएंगे. ये हॉल देख रहे हो, अभी 60% कवर हुआ है सिर्फ. 60 नहीं, ओनली ये हॉल कंप्लीट हुआ. हाँ, ये ए बी सी है, तो इसमें से सिर्फ ए कंप्लीट हुआ है, बी और सी इसका पेंडिंग है. बी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, और उधर देखो गाइस दूसरा है सेम डी ई एफ. ये तो कल सुबह से करना पड़ेगा, आज अभी पॉसिबल नहीं है. थक गए. कल 2-3 अपन ब्रेक में कर लेंगे इसको, अभी घर पे निकलते हैं ना. खाना नहीं खाया सुबह से, कुछ नहीं, पानी नहीं पिया, एग्जॉस्ट हो गए हम लोग. तो आज निकलते हैं, कल एकदम प्लान करके आएंगे. अपने को पता चल गया, जब ये खुलेगा तभी अपन आएंगे ना. तू तो बोल रहा था कल एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में पॉसिबल नहीं था. अच्छा हो गया आज आगे. मैंने वीडियो देख लिए थे इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन जाके आएंगे और नेक्स्ट दिन हाफ कर लेंगे. पूछा रे छोरी. गाइस पार्किंग छोड़ के भी रोड पे पार्किंग है, बहुत रश, बहुत ज्यादा रश. कल और होगी क्या? हाँ कल तो संडे, इसलिए मैं बोल रही कि कल संडे, मतलब चलने के लिए भी जगह नहीं रहती. बाकी लोग सब फैमिली, मतलब. हाँ यार, मेरे को इंडस्ट्रियल का कुछ भी, मेरे को ये समझ में नहीं आया. वो भी लोग रहते, मतलब ये, मतलब गाइस इतना बड़ा एग्जीबिशन है, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, किसके काम का है और कौन जा रहा है वहाँ पे? बच्चे, फैमिलीज. अरे आनंद मेला नहीं है साहब, थोड़ा समझो. इसीलिए बहुत सारे पोटेंशियल वाले लोग है ना,
औरंगाबाद के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यही वजह है। यही प्लेटफॉर्म मिल रहा है यार, अच्छा एक नंबर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है मसिया वालों ने, एक नंबर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, मेरे को पसंद आया। बहुत इंडस्ट्रीज है, बहुत चिकल खाना वालू छिंद्रा सब इसका एमआरडीसी का, लेकिन चलने के लिए भी जगह नहीं। बच्चे ये देखो, ये क्राउड देखो, वही से आ रहा है, पता नहीं यार क्या होगा। क्या हो गया क्या? नहीं चालू है बुकिंग। कितने बजे का शो है? 10:30 बजे हाँ 7:30 हो रहे। हाँ तो तेरे को शॉपिंग भी करनी है ना? शॉपिंग को ज़्यादा नहीं है मेरे को, जाना नहीं है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रिलायंस ट्रेंड्स में जाना है मेरे को। डीमार्ट आए गाइस, कुछ ग्रोसरी का सामान वगैरह लेना है, एंड इतना अच्छा लग रहा है ना, वो जो फेलिसिटेशन हुआ ना, थैंक यू सो मच दीपाली मैम एंड अरुण सर, थैंक यू सो मच। हाँ हम दोनों को अच्छा लगा, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी सारी आपके पेरेंट्स लोग थे, इतने आपके प्रोग्राम स्केड्यूल थे, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे थे, दीपाली मैम के फादर इन लॉ इज वेरी व्हाट वी से वो सोशल वर्क में आगे है, मतलब हाँ मतलब सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नेक्स्ट लेवल तक उनके वर्क्स वगैरह है, तो बहुत हाई लेवल के लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, अपना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने तभी भी अपना फेलिसिटेशन किया। थैंक यू सो मच अरुण सर एंड दीपाली मैम, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। तो चलो ये थैंक यू मैं फोन पे बताऊंगी आपको। हाँ तो चलो ये थैंक यू फॉर गुड मेमोरीज के साथ अपन ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।